देखो टॉपिक है टोरॉइड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू बताने हैं ड्यू टू टोरॉइड। टोरॉइड का दूसरा नाम है एंडलेस सोलेनोइड, सोलेनोइड की एंडलेस सोलेनोइड। टोरॉइड को एंडलेस सोलेनोइड भी बोलते हैं, ठीक है। एंडलेस सोलेनोइड क्यों बोलते हैं कि देखो सोलेनोइड क्या था, ये क्या है, एक टोरॉइड है, यानी कि एक ट्यूब होती है, साइकिल की ट्यूब ले लो और उसके ऊपर क्या लपेट दो, एक वायर लपेट दो और करंट फ्लो करा दो, उसको ही टोरॉइड बोलते हैं। टोरॉइड क्या होगी, एक सर्कुलर ट्यूब ले लो यानी कि क्लोज ट्यूब होगी और उसके ऊपर वायर जो है वायर्स के टर्निंग करा दो और करंट फ्लो करा दो, वो क्या हो जाएगी आपके पास टोरॉइड। तो ये भी क्या है, एक टोरॉइड है, ट्यूब ही है, इसके ऊपर वायर्स की टर्निंग कर लो और करंट फ्लो करा दो, वो क्या हो जाएगी, एक टोरॉइड हो जाएगी। इनकी टोरॉइड सिंपल क्या होती है, एक ट्यूब होती है, सर्कुलर ट्यूब होती है, ठीक है। इसमें एंडलेस सोलेनोइड क्यों बोलते हैं इसको, देखो सोलेनोइड कैसे था, ये था सोलेनोइड, इसमें टर्निंग करते थे ऐसे करंट वायर्स की, इसमें आई का करंट यहाँ से एंटर करा, यहाँ से बाहर। अब इस दोनों एंड्स को आप जोड़ दो, यहाँ से एक एंड को इस एंड को क्या कर दो, दोनों को जोड़ दो, तो वो एंड आप यहाँ से चलोगे, जोड़ने के बाद आप जहाँ से चलोगे खत्म ही नहीं होगा, घूमते ही रहोगे, तो ये क्या होता है कि एंडलेस सोलेनोइड होता है। इसमें तो एंड होता है, एक ये एंड पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछते हैं, तो ये इसको क्या बोल देंगे एक प्रकार से सोलेनोइड को। एक सोलेनोइड क्या होता है, एक ट्यूब सिलेंडर होता है, होलो सिलेंडर बोल या सॉलिड सिलेंडर, तो इसमें क्या हो जाएगा, उस सॉलिड या होलो सिलेंडर को क्या कर दो आप, दोनों एंड्स को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, एक टोरॉइड। तो इसको एंडलेस सोलेनोइड बोल दो या फिर इसका टोरॉइड, टोरॉइड का ही दूसरा नाम है एंडलेस सोलेनोइड, ठीक है। तो यानी कि इसमें भी क्या होगा, सेम जो है करंट एक एंड से क्या होगा, वायर को टर्निंग से एक एंड से करंट एंटर करेगा और घूमता हुआ क्या होगा, दूसरे एंड से बाहर निकल जाएगा। तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है अंदर। इसमें चार जगह पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, तीन जगह पे, अंदर के किसी भी पॉइंट, सेंटर पे पूछ लो, अंदर के किसी भी पॉइंट पे, अंदर के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है, सेंटर पे, इनसाइड इस टोरॉइड के, इनसाइड और आउटसाइड। तो इस केस में इसमें भी सेंटर पे जीरो होता है, सेंटर पे और अंदर के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। और इसमें अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी शेप होती है सर्कुलर शेप। अगर साइंटिस्ट लोगों को कोई प्रैक्टिकल करते टाइम अगर जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और वो सर्कुलर शेप में चाहिए, तो एक ही तरीका है टोरॉइड। इसमें जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है और किस शेप में होती है, सर्कुलर शेप में होती है। जो इस केस में करंट ऐसे एंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो क्या होंगी, ऐसे, तो ऐसे एक देखो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, इस तरीके से होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो क्या होंगी, इस तरीके से होंगी सर्कुलर शेप में। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, हर एक लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच जो गैप होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, इक्वल गैप होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया तो लाइनों के बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म यानी कि इक्वल गैप होगा हर एक लाइंस के बीच। तो इस केस में टोरॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो क्या होती है, सर्कुलर शेप की होती है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे टोरॉइड में जो शेप होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, वो भी क्या होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है यूनिफॉर्म चाहिए और स्ट्रेट लाइन चाहिए तो उस केस में क्या करेंगे, टोरॉइड का यूज करते हैं। और अगर सर्कुलर शेप में चाहिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो क्या करोगे, टोरॉइड। इसमें टोरॉइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसमें भी हम डायरेक्शन निकालते हैं तो करंट ऐसे तो इधर डायरेक्शन आ जाएंगे। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, 3D में सोचो, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इधर। और करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इधर। तो सेम इसमें करंट जो है एक लूप बन रहा है, तो इस केस में आर्क ऐसे करंट जा रहा है तो क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन इसमें ऐसे करंट जा रहा है इसमें तो डायरेक्शन इधर आ जाएगी, और करंट ऐसे जाएगा तो डायरेक्शन इधर। तो इस तरीके से हो सकते हैं या फिर इस तरीके से हो सकते हैं। तो इसमें करंट जो है वो ऐसे एंटर कर रहा है तो ऐसे इस कॉइल में इधर ऐसे ऐसे लूँ तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इधर। और अगर ऐसे करंट फ्लो करा गया तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इधर। तो ये भी क्या, एक ट्यूब ही है, देख लो, इसमें वायर्स की टर्निंग चला दो, इसमें करंट चला दो, ये क्या बन जाएगा, एक टोरॉइड। तो टोरॉइड जो है चार जगह पे मैग्नेटिक फील्ड पूछता है। इसमें टोरॉइड में एंडलेस सोलेनोइड यानी कि दोनों एंड्स को आप ज्वाइन कर दो, वो क्या बन जाएगा, एक टोरॉइड बन जाएगा। चार जगह पे मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, तो इस केस में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड और इनसाइड के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो जीरो होती है। क्या होती है, जीरो। और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है मिडल पार्ट ऑफ द सोलेनोइड वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, सर्कुलर शेप की होती है, और उसकी वैल्यू होती है बी इक्वल टू म्यू नोड एन आई। जो सोलेनोइड के मिडल पार्ट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है
सेम टोरॉइड के भी इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके मिडल पार्ट पे वो भी कितनी होगी, म्यू नोड एन आई, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या होगी यहाँ पे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी और किसके में होगी, सर्कुलर शेप में, सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी वैल्यू होती है म्यू नोड एन आई। और इसका जो डेरिवेशन होता है, एक एम्पियर्स नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ दिया था, उससे इसका डेरिवेशन हो। बायट और सेवार्ट ने तो वैल्यू निकालनी सिखाई थी, एक और साइंटिस्ट है एम्पियर सर्क्यूलर लॉ, एम्पियर नाम का साइंटिस्ट था, उसने भी एक लॉ दिया था, वहाँ से इन दोनों का यूज करके इसका डेरिवेशन होता है कि ये वैल्यू आई कहाँ से, तो वो सब्जेक्टिव क्लास में है आपके, ठीक है। और इनसाइड आउटसाइड अगर बात करें तो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यानी कि टोरॉइड में आपको तीन ही बातें ध्यान रखनी है कि टोरॉइड को क्या बोलते हैं, एंडलेस सोलेनोइड भी बोलते हैं, और अंदर और इनसाइड के सेंटर पे और इनसाइड के हर पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हर पॉइंट पे जीरो होती है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इनसाइड मिडल जो इसकी मिडल पार्ट होगी उसमें क्या होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है और सर्कुलर शेप होती है, उसकी वैल्यू होती है म्यू नोड एन आई, और आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो, ठीक है। इसको अगर बनाओगे आप तो इस तरीके से बना सकते हो, मान लो आप ये एक ट्यूब ले लिया आपने, यहाँ से करंट एंटर है, यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, करंट ऐसे जा रहा है तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे होंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नोड एन आई, क्या हो गया, रंगोली लग गई, कोई ना बना देना दिवाली पे, याद भी हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। टोरॉइड के बारे में यही बातें ध्यान रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो शेप होती है वो क्या होती है, सर्कुलर शेप में होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, इनसाइड के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, और इन मिडल पार्ट ऑफ द टोरॉइड क्या होती है, म्यू नोड एन आई, और आउटसाइड भी क्या होती है, जीरो, ठीक है। अगर सर्कुलर शेप में कोई पूछे कि अगर सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उस केस में एग्जाम्पल दो तो आप दे सकते हो टोरॉइड, और अगर स्ट्रेट लाइन चाहिए और यूनिफॉर्म चाहिए तो क्या होगा, सोलेनोइड, ठीक है।